वेलकम बैक, होप यू ऑल आर वेल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लहंगा रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड जैसे अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो हम लड़कियों के दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है लहंगा तो बाय करना है और किसी ना किसी एक फंक्शन में तो डालना ही है। जब लहंगा बाय करने की बात आती है मार्केट में जाएंगे तो 5,000 से बिलो कोई लहंगा नहीं मिलने वाला, सच बात है ना। अनदर थिंग इज दैट, आई एम सॉरी फॉर द नॉइस, पीछे चिड़िया चहचहा रही हैं। तो अनदर थिंग इज दैट के अफोर्डेबल होना चाहिए 2,000 के बजट में या मैक्सिमम से मैक्सिमम 3,000 के बजट में। अनदर थिंग इज कि हमें वो रिपीट नहीं करना, यूनिक होना चाहिए, हटके दिखना, सबसे अच्छा दिखना है अपनी वो वाली कजन से तो अच्छा दिखना ही है। अगर आपकी भावनाओं के साथ मैं कनेक्शन को जोड़ पा रही हूँ ना, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो इस मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले अफोर्डेबल, सस्ते और यूनिक कलेक्शन की। मैं आपके लिए एवरी डे या फिर ऑल्टरनेट डेज पर इसी तरीके से अच्छे अच्छे लहंगा रिव्यू लेके आती रहती हूँ। बाय द वे, जिस लहंगा में बात कर रही हूँ दैट इज 10, बहुत ही प्यारा, मैंने ऑलरेडी वेयर किया है एक वेडिंग में एंड सभी ने मुझे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिव्यू। इवन बाय की क्लोथ्स विला से, क्लोथ्स विला एक वेबसाइट है जहां पर आपको इतनी ऊपर मिल जाएंगे, आपको लहंगा सारी सूट्स गाउन्स मिल जाएंगे एट वेरी वेरी अमेजिंग प्राइस पॉइंट। मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा दैट मैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ। सो उनमें से एक है, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी मोर फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन विद दिस रिव्यू। सो जिस लहंगा की मैं बात कर रही हूँ दैट इज जस्ट बहुत ही प्यारा, यू नो ब्लैक कलर में ये लहंगा है एंड जो मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर्स उन्हें पता है कि मुझे ब्लैक कलर कितना पसंद है एंड व्हेन इट कम्स टू लहंगा और वो भी ब्लैक कलर में, अरे वाह यार, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। लहंगा तो आप देख सकते हो, दिस इज ऑल ब्लैक इन कलर एंड ये आपको गोल्डन वर्क मिल रहा है। बाय द वे, जो वर्क है ये पूरा सिकुन का जाएगा। टॉप से स्टार्ट करते हैं, ये रही हमारी वेस्ट और ये मुझे सेमी स्टिच मिला था, मैंने स्टिच कर लिया है प्रॉपर। इसे वेयर करना था तो मैंने इसे यू नो प्रॉपरली से यहाँ से स्टिच कर लिया और ये मैंने घर पे ही किया है, घर पे ही कर लिया खुद। दैट इज सो इजी, सीधी सीधी यू नो स्टिचिंग करनी है, दैट्स इट। वेस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, वेस्ट पर भी आपको ये यू नो सीक्विन का और जरी का वर्क मिल जाएगा और ये आपको जो फैब्रिक मिल रहा है इस लहंगे के लिए दैट इज जॉर्जेट का। जॉर्जेट का काफी अच्छा फैब्रिक मिल रहा है, मैक्सिमम ये जो वेस्ट है ना परफेक्ट रहेगी 38 वेस्ट वालों के लिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा एक्सीड करोगे तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो घेरा कैसा बन गया आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम 38 वेस्ट तक ही जा सकते, उससे ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत भी नहीं है इसमें। सो नीचे ही आपको जिगजैग वाले पैटर्न मिल जाएगी, ये भी सीक्विन और जरी का पूरा वर्क मिल रहा है आपको। ये जिगजैग वाला पैटर्न आपको मिड ऑफ द लहंगा तक मिल जाएगा इस तरीके से, आप देख सकते हो यू नो टॉप से बॉटम तक ये एक्सपैंड हो रहे हैं और नीचे जाकर आपको ये हैवी वर्क देखने को मिल जाएगा। दिस इज ऑल सीक्विन वर्क, ये गोल्डन कलर की सीक्विन लगी हुई है। गुड थिंग इज दैट कि सीक्विन एक भी नहीं गिरी है, क्वालिटी ऑफ द लहंगा इज टू गुड, जितना मैंने अमाउंट पे किया उसके अकॉर्डिंग वर्क दैट है। ये सिर्फ फ्रंट सेक्शन पर नहीं मिल रहा आपको, बैक सेक्शन पर भी इसी तरीके का ये पूरा वर्क मिल जाएगा। लाइनिंग की तो लाइनिंग हमें मिल रही है अमेरिकन क्रीप के फैब्रिक में विच इज ऑल्सो इन द ब्लैक कलर और साथ ही में हमें एक और लाइनिंग का फैब्रिक मिल रहा है, हमें डबल लाइनिंग मिल रही है इसमें। साथ में हमें कैन मिल रही है, ये पूरी कैन मिल रही है, पूरी सिक्योर कर रखी है एजेस से। प्लीटिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्लीटिंग कर रखी है और अंदर भी एक और एक्स्ट्रा फ्रिल लगी हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना अच्छा यू नो घेरा बन के आएगा इसका और मतलब जितना अमाउंट आपने पे किया उसके अकॉर्डिंग ये पैसा वसूल है, नो डाउट। तो ये रहा हमारा लहंगा, बहुत ही अच्छा है, आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा होगा बट इट इज़ ट्रस्ट मी सो सो मैनेजेबल, बहुत ही प्यारा है। सो इसके साथ में हमें मिली है चोली, तो चोली दुपट्टा दोनों ही मिले हैं बाय द वे। सो ये रहा चोली के लिए फैब्रिक जो हमें मिला है। सो दिस इज द फ्रंट सेक्शन ऑफ द चोली, ये आपको मिल रहा है फैब्रिक जॉर्जेट के फैब्रिक में, जॉर्जेट के मटेरियल में, सेम ब्लैक इन कलर एंड ये पूरा आपको सीक्वन वर्क मिल जाएगा, गोल्डन कलर की सीक्वन वर्क एंड मैक्सिमम इसमें 38 वर्स्ट बन जाएगी, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। और स्लीव्स आपकी बनेगी हाफ स्लीव्स, 3/4 स्लीव्स नहीं बनेगी। ये रहा फ्रंट सेक्शन ऑफ द चोली एंड ये रहा बैक सेक्शन ऑफ द चोली, तो फ्रंट बैक हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। सो ये रहा चोली के लिए मटेरियल, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, वर्थ इट है। वाई दफ़े मैंने चोली नहीं सिलवाई थी, मेरे पास ब्लैक चोली ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैंने ब्लैक ही इसके साथ यू नो स्टाइल कर ली, तो मैंने ये वाली नहीं वेयर करी थी। ये रहा हमारा दुपट्टा विच इज ऑल्सो इन द ब्लैक कलर एंड ये पूरा नेट का आपको दुपट्टा मिल जाएगा। वाई दफ़े नेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने ये डे फंक्शन में डाला था
पर मतलब गर्मी बहुत थी, लिटरली अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई है, तो आई वॉज सो कम्फर्टेबल इन दिस लहंगा. लाइट वेट था, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब मीन्स सभी मुझे पूछ रहे थे यू आर वेयरिंग लहंगा तो मैं गर्मी नहीं लग रही, आई वॉज लाइक आई एम कम्फर्टेबल इन इट ऑनेस्टली टेलिंग यू. सो ये रहा हमारा दुपट्टा. जाएगा इस तरीके की सितारा ना पूरे स्टिक कर रखे दुपट्टे पर, ठीक है. और ये आपको लेसिंग मिल जाएगी इस तरीके से गोल्डन कलर की सीक्वन में, ये लेस मिल जाएगी. दुपट्टे की जो लेंथ है दैट इज 3 मीटर की. ऑनेस्टली टेलिंग यू नॉर्मली जो लहंगा के साथ दुपट्टा मिलता है दैट इज 2.5 मीटर के दुपट्टे की लेंथ होती है, बट इसमें ये 3 मीटर की मिल रही है. आई एम हैप्पी अबाउट इट. लास्ट टाइम भी जो मैंने लहंगा रिव्यू किया था फ्रॉम क्लोथ्स विला उसकी भी लेंथ 3 मीटर्स की थी. मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब क्वालिटी ये बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रही है. तो चलिए अब मैं इसे वेयर करके बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये वेयर करने के बाद कैसे लगने वाला है. सो ऑनेस्टली ये लहंगा बहुत अच्छा लगा. डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप बाय करते हैं यू डेफिनेटली नॉट गोना फील एनी काइंड ऑफ रिग्रेट के यार मैंने बाय किया था. एंड इनकेस अगर आप बाय भी करते हो ना प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना और मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर यदि आपकी सजेशन अच्छी ही प्रूव हुई है हमारे लिए. सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है ना, तो आप मुझे पूछ लो, कमेंट सेक्शन पूछो या मैं इंस्टाग्राम में पूछो. दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर आउट करूँ. अगर वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर कि आप एक लाइक जरूर करना, मेरे एफर्ट को मद्देनजर रखते हुए देना, थोड़ा प्यार कर दो शेयर. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आपको जस्ट क्लिक करना है, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे स्माइलिंग. बाय बाय. लव यू ऑल.